मार्केट में इस वक्त प्राइसेस लगभग सभी क्रिप्टोकरेंसीज के नीचे चल रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉइन यहाँ से बाय कर लो? क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो अभी मार्केट में या तो नए उतरे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 100 रुपये लगाकर या फिर सिर्फ 1000 रुपये लगाकर एक एंट्री लेना चाहता हूँ क्रिप्टोकरेंसी में, ताकि वही मेरा 1000 रुपया $1000 तक पहुँच जाए। तो $1000 तक पहुँच रहा है नहीं, कम से कम आपको यहाँ से 10x तक का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। कुछ ऐसे कॉइन्स आज मैं आपके लिए सिलेक्ट करके आऊँ जो कि 1 पैसे से भी कम की वैल्यू से लेकर 5 रुपये से कम वाले कॉइन है, यानी कि सबसे सस्ते कॉइन है पूरी मार्केट के और सबसे बेस्ट कॉइन है। तो यहाँ मीम कॉइन्स कवर नहीं करने वाले, जैसे कि शिबा इनू, वो हम बाकी वीडियोस में कवर कर लेंगे, लेकिन आप बेस्ट कॉइन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कॉइन्स आप थोड़ी वैल्यू में बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। 10 रुपये के भी लोगे तो भी कई सारे आ जाएंगे। तो यहाँ बात ये नहीं कि कई सारे आ रहे हैं, लेकिन बात यह कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होने चाहिए जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दें। प्रॉमिसिंग कॉइन्स की बात करेंगे। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो अभी सोच रहे हैं मार्केट में सिर्फ 100 रुपये या 1000 रुपये लगाना चाहते हैं और 1000 का 10000 बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर लेना। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ, वॉफिट ऑफिशियल के ऊपर, तो वहाँ हमारा प्रीमियम भी है, सिर्फ $30 प्रति माह के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी फीस नहीं है, $30 में आपको यहाँ $1000 का प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लर्निंग भी रहेगी तो अभी लर्निंग की तरफ ही बढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल में आपको शायद नहीं पता, तो यहाँ कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो पहले हमारा सबसे पहला कॉइन है ई कैश, जिसका अगर सिंबल की बात करें XCC के नाम से है। तो यहाँ एक कॉइन के बदले में 1 मिलियन कॉइन मिले हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल BTTC पहले कॉइन था, एक के बदले में उसके बाद कितनी ज़्यादा जीरोस लग गई, यानी कि एक के बदले में आपको 10000 मिले थे, बिल्कुल वैसे सिमिलरली यहाँ एक के बदले में 1 मिलियन कॉइन्स आपको मिले हैं। एक्चुअल में XCC पहले बिटकॉइन कैश ABC के नाम से था, BCHM बोल सकते हैं, जो कि अभी एग्जिस्ट करता है XCC के नाम से। तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चेन्स में से एक है। तो यहाँ इनका कहना है कि इकोनॉमिक थ्योरी और डेकर्स ऑफ रियल वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ई कैश को बनाया गया, और इसके इसका जो यूज केस है वो बहुत ही यूनिक है। इवन ई कैश के जो यूनिक फीचर्स में यहाँ एवलांच भी आता है, ई टोकन्स भी आते हैं और स्टेकिंग बेनिफिट्स भी आते हैं। तो ये एडवांस्ड प्रोजेक्ट है जो कि बिटकॉइन बेस्ड है। ये सबसे कम वैल्यूबल है, सिर्फ 0.003 रुपीज़, हम डॉलर की बात नहीं करेंगे पूरे वीडियो में, सिर्फ रुपीज़ की बात करने वाले हैं। सबसे सस्ता कॉइन है हमारी पूरी लिस्ट में। दूसरे कॉइन की अभी हम बात करेंगे, वो है विंक लिंक। इसका कॉइन है विन के नाम से, WIN, वैल्यू है 0.008, यानी कि अगेन 1 पैसा भी वैल्यू नहीं है, 1 पैसे से भी कम, 1 रुपये का भी लोगे तो कितने सारे कॉइन आ जाएंगे, 10 रुपये के लोगे तो कितने सारे कॉइन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैटर ही करते हैं क्या ये कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो ये भी ऑरेकल है ट्रॉन के इकोसिस्टम का। तो यहाँ इस वीडियो में BTTC कवर नहीं करने वाला, क्योंकि BTTC की एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जो आपको अलग से मिलेगी, क्योंकि उसकी कई सारे अपडेट्स हैं। तो विंक लिंक एक तरीके का ओरेकल है, ट्रॉन नेटवर्क और विंक को यहाँ जोड़ता है, ये बैंक्स, वेदर, इंटरनेट, हर तरीके की चीज़ के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है, रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ केस है, एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आप बाइंग जरूर करें। तो यहाँ मेरा कहना नहीं है कि आप 1 रुपये लगाओ या 100 रुपये लगाओ, थोड़े से पैसे लगाओ जितने भी आपके पास हैं, आपके पास वॉलेट में पड़े हैं। एंड हाँ, सारे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन फॉरन एक्सचेंजेस के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रॉन इकोसिस्टम अगर आप नहीं जानते, तो ट्रॉन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके कई सारे कॉइन्स हैं, तो ये ऑब्वियसली कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है। तीसरा कॉइन, ये भी बहुत अच्छा कॉइन है, मेरा फेवरेट कॉइन्स में से एक है, स्मूथ लव पोशन SLP के नाम से, 0.3 रुपीज़, बोल सकते हैं लगभग 31 पैसे के आसपास है, 30 पैसे के आसपास है, अगेन 10 रुपये का भी लोगे तो कई सारे आ जाएंगे, ये कॉइन आप जरूर बाय करना। तो अगर आप नहीं चाहते, एक्सी इन्फिनिटी जो गेम है सबसे बड़ी गेम्स में से एक है, सबसे बड़े मेटावर्स में से एक है, एक्सी इन्फिनिटी का जो इसका कॉइन है AXS, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जब भी डेवलपमेंट्स आती हैं, जब भी कॉइन की वैल्यू बढ़ती है, साथ साथ SLP कॉइन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण आपको SLP यहाँ होल्ड करना चाहिए। एक्सी इन्फिनिटी के कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं, मोबाइल, एंड्रॉयड, इवन iOS के लिए कई सारे की गेम्स भी आने वाली हैं जो कि मोबाइल के ऊपर ही प्लेबल रहने वाली है, इससे पहले सिर्फ ये डेस्कटॉप के ऊपर ही अवेलेबल था। तो आप SLP को बाय कीजिए। नेक्स्ट हमारा कॉइन है सिया कॉइन, बहुत बार आपने सुना होगा, डंप आने से पहले इसने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिया है, अगेन ये है 31 पैसे के आसपास, बिल्कुल सेम वैल्यू है SLP के आसपास। तो 31 पैसे का कॉइन बेस्ट कॉइन है, SC के नाम से आपको मिलेगा, SC, तो ये कॉइन आप बाय करें। यह है डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज, तो डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज अगेन याद आता है BTTC का। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं Web3 बेस्ड, तो सिया कॉइन उनमें से एक है, जहां से बायर सेलर्स ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए मार्केट प्लेस यहाँ बनाया गया है। तो सिया की आप यहाँ थोड़ी सी बाइंग करें। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है IOST। IOST का जो कॉइन है वो भी IOST के नाम से है, अगेन 1 रुपये का कॉइन है, सिर्फ 1 रुपये का कॉइन है। तो हमारे यहाँ कितने कॉइन कवर हो गए, 2, 3, 4, 5वां कॉइन हम अभी बात कर रहे हैं IOST के नाम से। तो IOST ये अल्ट्रा फास्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ये प्रूफ ऑफ बिलीवेबिलिटी के ऊपर काम करता है, इसको POV का नाम दिया गया, जैसे कि हमने प्रूफ ऑफ स्टेक देखा है, प्रूफ ऑफ वर्क देखा है, जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, धीरे धीरे वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली ये प्रूफ ऑफ बिलीवेबिलिटी के ऊपर काम करता है, और इसकी वैल्यू इतनी कम है, मार्केट कैप $237 मिलियन का है, सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 18 बिलियन की है। तो ये भी सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक है, ऑलरेडी इनके पार्टनर्स पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जिसमें इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं, तो इसमें आप एंट्री जरूर लें। हमारा 6th कॉइन है हार्मनी के नाम से, 1
ONE, वन हार्मनी का कॉइन है, वन हार्मनी प्रोजेक्ट है, अगेन वेब थ्री बेस्ड प्रोजेक्ट, सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट्स में से एक। तो यहाँ इसकी वैल्यू है 1.6 रुपीस, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रुपये से अभी हम 1.6 तक पहुँच गए, हमारा छठा कॉइन है। तो इसमें आप एंट्री ले 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इतने के भी लेते हैं, एक अच्छी वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये एक ओपन एंड फास्ट ब्लॉकचेन है जिसका मेननेट रन करता है इथेरियम एप्लीकेशंस, 2 सेकंड ट्रांजैक्शन फाइनलिटी के ऊपर और 100 टाइम्स लोअर फीस के ऊपर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इथेरियम के ऊपर जो डैप सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। तो हार्मनी, जैसे कि इसका नाम ही हार्मनी है, ये हार्मनी प्रोवाइड करता है डैप्स को, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो इसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो भी $1 बिलियन का है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या कि स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, प्रोजेक्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट है हमारा वी चेन, VET के नाम से, लगभग 2 रुपये के आसपास है, 1.94 रुपीस के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो वी चेन को आप बाय कर सकते हैं, ये सबसे यूनिक प्रोजेक्ट्स में से एक मुझे लगा, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबिलिटी ट्रैक एंड ट्रेस सेस है, यानी कि वी चेन इसके ऊपर काम करता है, सप्लाई चेन ट्रैक करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये सेस जिसका मैं नाम ले रहा था, इसमें फूड्स एंड ड्रिंक्स, उनकी सप्लाई, कार्बन मैनेजमेंट सोल्यूशन, तो कई सारे ऐसे सोल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि कॉमनली किसी प्रोजेक्ट के द्वारा जिनके ऊपर काम नहीं किया जाता। फूड सेफ्टी ट्रैक इसके ऊपर भी काम करता है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत यूनिक है। तो वी चेन मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, सबसे लोएस्ट वैल्यू में चल रहा है आज, इसकी वैल्यू चाहे कम है, लेकिन आने वाले समय में वेब थ्री के अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से VET की वैल्यू स्ट्रांगली बढ़ने वाली है। तो हम यहाँ ऑब्वियसली बुल मार्केट की वेट करेंगे, बुल मार्केट में इसमें पंप आएगा, लेकिन ये एंट्रीज शायद हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट हमारा कॉइन है 8th कॉइन, जो है IOTEXX के नाम से, IOTEXX, वैल्यू चल रही है 2.3 रुपीस के आसपास, बोल सकते हैं 2.5 रुपये से कम चल रही है, बहुत कम है, अगेन 100 रुपये के बाय करोगे तो कितने ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये आप प्रोजेक्ट में आप एंट्री ज़रूर लें। तो इसका मेन मकसद एक ही है, कनेक्टिंग द रियल वर्ल्ड टू वेब थ्री। तो मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जितने भी हम कवर कर रहे हैं सभी एक से एक है, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ इसका काम यही है कि पावर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अक्रॉस द फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि ऑफलाइन चीज़ों को ऑनलाइन जोड़ना, लेकिन वेब थ्री के द्वारा। वेब थ्री में आप भी जानते हैं कि यहाँ क्या है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन रहती है, तो ऑलरेडी यहाँ लगभग 14,800 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है, कम्युनिटी इनकी 2 लाख से भी ज़्यादा है, 44,000 से भी ज़्यादा स्टेकर्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक बार जरूर चेक करना, प्लेटफॉर्म फॉर मशीनीफाई बिल्डर्स, तो यहाँ जो बिल्डर्स हैं यानी कि एक तरीके डेवलपर्स, वो इसके ऊपर बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th कॉइन है, सेकंड लास्ट, जो है नेम के नाम से प्रोजेक्ट है, XEM कॉइन, जैसे कि सबसे पहला कॉइन था XEC, लेकिन ये ध्यान रखना XEM, 3.5 रुपये के आसपास चल रहा है, 3.46 रुपीस। तो इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं, सबसे सस्ते प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो कई सारे जितने प्रोजेक्ट्स मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, हमारे एक चीज़ फिक्स है कि ये 5 रुपये से सस्ते हैं। तो ये न्यू इकोनॉमिक मूवमेंट के नाम से आया है, नेम का मतलब यही है, NEM, नेम को न्यू इकोनॉमिक मूवमेंट के नाम से इसको लाया गया, पीयर टू पीयर ओपन सोर्स क्रिप्टो टोकन एंड ब्लॉकचेन लेकर आया। तो इसको कहा जाता है नैस्डैक ऑफ न्यू इकोनॉमी। तो नैस्डैक अगर आप जानते हैं तो एक सबसे बड़ा इंडेक्स है, बिल्कुल वैसी इसको भी नई इकोनॉमी का नैस्डैक माना जाता है। तो इसमें भी एंट्री अभी से ले लें, बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, सबसे बड़े, जिनमें शायद हमें पोटेंशियल अभी नहीं दिख रही, लेकिन आने वाले समय में जब एकदम प्रॉफिट आएगा, हर कोई बोलेगा कि मैं पिछड़ गया या पीछे रह गया, बाइंग नहीं कर पाए सही टाइम पे। लास्ट हमारा कॉइन है गाला के नाम से, बहुत बार आपको एंट्री करवाई है, लेकिन इसकी वैल्यू लगभग सेम ही रही है इस डंप के दौरान भी, 4 रुपये के आसपास चल रहा है, 4 रुपये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, एज प्रॉमिस्ड 5 रुपये से सभी सस्ते कॉइन है। तो ये कॉइन आप बाय कर सकते हैं, गाला गेम्स है, गाला के ऊपर कई सारी गेम्स बिल्ड करी जाती हैं, यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स आकर अपनी गेम्स बिल्ड करवाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी गेम्स डेवलप्ड भी हैं, इनकी खुद की गेम्स भी हैं, तो जिस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये ऐसा कॉइन है जिसने बाइनेंस के ऊपर लगातार कम से कम 15-20 दिन लगातार प्रॉफिट दिया था, हालांकि वापस वैसा ही परफॉर्म करने वाला है जैसी मार्केट थोड़ी बुलिश हो जाएगी। तो ये हमारे 10 कॉइन थे, और भी कई सारे कॉइन्स थे, लेकिन हमारा यहाँ प्रॉमिस था कि 10 रुपये से सस्ते कॉइन एंड बेस्ट कॉइन्स आपको बताएंगे। तो इनमें ज़रूर एंट्री लेना, लगभग आप यहाँ अगर 100 रुपये के भी लेते हैं सारे, या कुछ परसेंटेज सेट करके, तब भी बेस्ट है, वरना अगर आप 1,000 रुपये स्पेंड करते हैं तब भी कई सारे कॉइन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ेंगे तो उनकी जब वैल्यू बढ़ती है ना, जब एक पैसे वाला कॉइन 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपये वाला कॉइन $1 हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी पोटेंशियल थी उन कॉइन्स में जब आपने सही टाइम पे बाय किए। तो ये थे हमारे कॉइन्स। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करना। मीम कॉइन्स की एक नई लिस्ट लेकर आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेने, ताकि आप तक हमेशा हमारे नए वीडियो सबसे पहले पहुँच रहे। धन्यवाद।